बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद सारी नजरें अब उसके परिणाम पर टिकी हुई हैं। वोटों की गिनती तो 10 नवंबर को शुरू होगी, लेकिन आज एग्जिट पोल आ चुके हैं और आंकड़े इशारा कर रहे हैं एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर का। टीवी 9 भारतवर्ष के पोल में एनडीए को 110 से 120 सीट तो महागठबंधन को 115 से 125, एलजेपी को 3 से 5 तो अन्य के खाते में 10 से 15 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगर हम दूसरे चांस की बात करें तो टाइम्स नाउ सी वोटर एग्जिट पोल में महागठबंधन के हाथ 120 सीट लगती नजर आ रही है। एनडीए 116, एलजेपी 1 और अन्य 6 सीटों पर सिमट रहा है। रिपब्लिक भारत जन की बात के सर्वे में एनडीए को 91 से 117 सीट, महागठबंधन को 118 से 138, एलजेपी को 5 से 8 और अन्य को 3 से 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया का भी सर्वे आया है, जिसमें 44% लोगों ने तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री माना है। तो वहीं 35% लोगों ने नीतीश कुमार को, 3% लोगों ने सुशील कुमार मोदी को और 7% लोगों ने एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान को अगला मुख्यमंत्री माना है। इस एग्जिट पोल में यह भी पाया गया कि बिहार के 42% लोगों ने विकास के मुद्दे पर वोट किया, तो वहीं 30% लोगों ने बेरोजगारी और 11% लोगों ने महंगाई के मुद्दे पर वोट डाला है। तो वहीं एबीपीसी वोटर के एग्जिट पोल में एनडीए को 104 से 128 सीट मिलती नजर आ रही है, महागठबंधन को 108 से 131 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपी को सिर्फ 1 से 3 सीटों पर बढ़त नजर आ रही है, तो वहीं अन्य के खाते में 4 से 8 सीट जाने का अनुमान है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक नीतीश कुमार की जेडीयू को 38 से 45 सीट मिलती दिख रही हैं, तो बीजेपी को 66 से 74 सीट मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही वीआईपी को 0 से 4 सीटें और हम यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 0 से 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा महागठबंधन को देखें तो आरजेडी को 81 से लगभग 90 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 21 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा लेफ्ट के खाते में 6 से 13 सीटें जाने का भी अनुमान एबीपी न्यूज सी वोटर लगा रहे हैं। अगर भास्कर के एग्जिट पोल की बात करें तो कांग्रेस को 19 से 21, आरजेडी को 52 से 60, भाजपा को 63 से 65, जेडीयू को 58 से 63, एलजेपी को 12 से 23, सबसे ज्यादा अगर एलजेपी को सीट किसने दी है तो भास्कर के एग्जिट पोल है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 2 से 3, वीआईपी को 2 से 3 और साथ ही अन्य के खाते में 19 से 27 सीटें जाने का अनुमान भास्कर के एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। तो ऐसे ही अगर हम ओवरऑल सर्वे की बात करें, अगर हम ओवरऑल महा एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए को 116, महागठबंधन को 120, एलजेपी को 2 और अन्य को 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यानी क्लियर कट ये मैसेज यहां से मिल रहा है कि महागठबंधन बढ़त बनाए हुए हैं। अब देखना होगा कि 10 नवंबर को फाइनल रिजल्ट्स क्या आते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें टीवी 9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।